Very good morning to all of you. My name is Suraj. So welcome to Maluka IAS. Today uh, we will discuss about the North American drainage system, also the natural vegetation and climate. Right. So पिछले lecture के अंदर हमने North America की physiography के बारे में discuss किया था और उससे related कुछ facts पढ़े थे. तो आज सबसे पहले start करेंगे drainage pattern से. ठीक है? तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ये होता क्या है तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब सिंपल है जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ड्रेन होती है ठीक है तो ड्रेन्स क्या है बेसिकली ये नालियां होती हैं और पूरे शहर के अंदर जगह जगह जो नालियां बनी होती हैं उसमें सारा पानी चला जाता है आसपास का स्लोप के डायरेक्शन में और यही आगे जाकर के ड्रेन्स आगे जाके किसी बड़े नाले में मिल जाती है वहां से किसी रिवर के अंदर मिल जाती है तो बेसिकली जहां से भी पानी चल रहा है जिस एरिया का उसको हम क्या देते हैं ड्रेनेज सिस्टम तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर क्या होता है छोटी छोटी ड्रेन्स भी होती हैं और साथ में कुछ बड़ी बड़ी ड्रेन भी होती हैं तो वैसे ड्रेनेज सिस्टम इज लाइक रिवर सिस्टम रिवर सिस्टम अब ये रिवर सिस्टम क्या है तो इसमें क्या होता है कि जो कोई भी रिवर है उसका एक सोर्स होता है सोर्स मतलब कि जहां से उस रिवर का जन्म होता है जैसे सोर्स क्या हो सकता है एक तो स्नोफॉल हो रही है और उससे ग्लेशियर्स बन रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लेशियर मेल्ट होता है वैसे ही रिवर वहां से चलना स्टार्ट कर देती है राइट right? एक तो ये हो गया दूसरा सोर्स हो सकता है रेन वाटर कि बारिश हो रही ही है और बारिश की वजह से पानी ने एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया जो सरफेस रन ऑफ है दैट इज कॉल्ड एज दी स्पेसिफिकली रिवर सिस्टम राइट right? तो ऐसे में यहां सोर्स से चली आगे जाके क्या होता है कि इसमें और छोटी बड़ी नदियां मिलना स्टार्ट होती हैं ऐसे जिनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है दे ऑल आर कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज अब आगे जाके रिवर क्या करेगी अपने से बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाती है उस जगह को सिंपल कह देते हैं माउथ ऑफ द रिवर तो सोर्स से लेकर के माउथ तक के आसपास का जो पूरा एरिया है उसको रिवर बेसिन ड्रेनेज सिस्टम और इसके साथ में इसको रिवर सिस्टम कहा जाता है राइट तो वैसे नॉर्थ अमेरिका में देखें तो हमारे पास रिवर सिस्टम क्या है कि माउथ कहां पे है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में दूसरा है अटलांटिक ओशन में राइट और इसके साथ में पैसिफिक अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन भी हमारे पास क्या बन जाता है एक रिवर का माउथ बन जाता है अब रिवर तो पहाड़ों से जन्म लेती है या फिर किसी ऊंचे एरिया से आती है स्लोप को फॉलो करते करते वो चली जाती है और अपने से बड़ी वाटर बॉडी में जब वो मिल जाएंगे तो सिंपली वी कॉल दैट एरिया द द माउथ ऑफ रिवर ठीक है ज्यादातर रिवर्स वहां पे कॉलिया बनाती है जिन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को हम डेल्टा कहते हैं ठीक है तो उज कॉल्ड एज द डेल्टा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उस डेल्टा का नाम क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है राइट right? ओके okay. सो so फर्स्ट अगर रिवर देखा जाए गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो एक मिसिसिपी रिवर है और मिसौरी रिवर तो मिसिसिपी और मिसौरी रिवर आपको यहाँ मिलेंगे काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये और ये दोनों रिवर जाकर के सीधा ड्रेन करती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के एरिया में जाकर के तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती हैं ठीक है काफी फेमस रिवर्स इनको माना जाता है और रिवर्स के अंदर होता है फ्रेश वाटर तो फ्रेश वाटर यानी उसमें जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम होता है और जैसे ही वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के फ्रेश वाटर सलाइन वाटर के साथ मिलेगा तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो सैलिनिटी के लेवल्स हैं उनको कम करता है राइट सो फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट रिवर्स देन वी हैव द कोलोराडो रिवर तो कोलोराडो रिवर यहां से चलती है सीरिया से कोलोराडो रिवर एक ऐसी रिवर है ठीक है जो दुनिया में एक तरह की आई शेप वैली बनाती है आई शेप वैली अभी ये आई शेप वैली क्या होता है तो आई शेप वैली इज बेसिकली ये एक तरह से इरोजनल लैंडफॉर्म है इरोजनल लैंडफॉर्म अब रिवर जब पहाड़ से आती है बहुत तेजी से आती है तो रिवर क्या करती है इरोजन करती है वैली का जैसे वैली इरोड करेगी लाइक यहां पे ये यह वाटर लेवल है तो इधर नीचे जो बेड है रिवर का अगर ये इरोड हो रहा है तो इसकी डेफ्थ क्या करेगी इंक्रीज करेगी ऐसे ठीक है तो यहां पे क्या है कि बहुत सारी आई शेप वैलीज बनी है जिनको ग्रैंड कैनियंस कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज ग्रैंड कैनियंस ये कोलोराडो रिवर के आसपास का एरिया है इसके पास मिलते हैं ये काफी ज्यादा फेमस है टूरिज्म के लिए काफी सारे लोग यहां घूमने भी जाते हैं और ये डीपेस्ट वैलीज हैं जो इस एरिया में रहती हैं ठीक है तो ये है हमारे पास कौन सी रिवर कोलोराडो रिवर इसके साथ में जो अगली रिवर्स अगर देखा जाए तो अगली रिवर हमारे पास आती है यूकॉन रिवर यूकॉन रिवर यहाँ पे अलास्का रेंज के पास से और इधर ब्रूक्स रेंज यानी पहाड़ियां है यहां से यु, रिवर चलती है, और यहां से आगे जाते जाते बेरिंग सी में जा करके ये यह, आगे यहाँ पे माउथ बनाती है रिवर का माउथ यहां पे देखने को मिलता है ठीक है साथ में मैकेजी रिवरजी रिवर ब्रूक्स रेंज के पास से होते होते, होते हटसन बे वाले एरिया में ड्रेन कर जाती है वैसी एक चर्चिल रिवर भी है सो चर्चिल रिवर बेसिकली जाती है हडसन बे के एरिया में यहाँ ड्रेन कर जाएगी और इसके साथ में ये जो यहाँ पे आ, हमारे पास लेक ऑनटरियो है कल हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आ, फाइव ग्रेट लेक्स के बारे में जहाँ पे लेक सुपीरियर आ, लेक मिशिगन लेक एरी लेक यूरॉन एंड लेक ऑनटेरियो सो लेक ऑनटरियो से यहाँ से एक सोर्स है सेंट लॉरेंस रिवर का ठीक है जो आगे एटलांटिक ओशन में जाकर के ड्रेन कर जाती है तो ऐसे हमारे पास क्या है ये सो दीज आर देश दीज आर रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका ठीक है किसी भी देश की इकोनमी के लिए ठीक है वहां की फिजियोग्राफी नेचुरल वेजिटेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटर। तो वाटर यहाँ पे काफी अवेलेबल है इस एरिया के अंदर लेक्स भी बहुत सारी हैं और काफी अट्रैक्टिव यहां पे प्लेसेस में डीप गॉर्जेस भी देखने को मिलते हैं जैसे कि कोलोराडो रिवर के बारे में आपको बताया कि यहां पे ठीक है काफी इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रैंड कैनियंस हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं दुनिया के डीपेस्ट रिवर वैलीज इस एरिया में मिलती हैं राइट ओके सो नेक्स्ट चलते हैं अब सेकेंड डिस्कशन पे ओके सो सेकेंड इज द आइलैंड्स राइट सो so, ये जो आइलैंड्स हैं यूएसए और इसके साथ में पूरे नॉर्थ अमेरिका में तो इसमें आइलैंड्स देखें तो सबसे पहले वैंकूवर आइलैंड्स ठीक है फर्स्ट आपको मिल जाएंगे वैंकूवर आइलैंड्स एंड देन हवाई आइलैंड्स ग्रीनलैंड आइलैंड क्यूबा आइलैंड्स एंड बरमूड आइलैंड्स तो देखो ये जो वैंकूवर वाला एरिया है ये वैंकूवर वाला एरिया आपको इधर कैनेडा है और जस्ट इसकी इस साइड यानी ये जो पैसिफिक वाला एरिया है यहां पे आपको सीधा सीधा मिल जाएगा वैंकूबर आइलैंड ठीक है इसके एक साइड में कौन सा है पैसिफिक ओशन आपको मिल जाएगा इजीली और सामने जो है वो क्या है सामने है कनाडा राइट सो नेक्स्ट इज हवाईयन आइलैंड हवाईयन आइलैंड आर बेसिकली इन पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन अब ये कैसे बने हैं आइलैंड तो दे आर वॉलकैनिक फॉर्मेशंस की वजह से वॉलकैनिक फॉर्मेशंस ऐसा कहा जाता है कि यहां पे एक हॉटस्पॉट है जिसको हवाइय हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं और व्हाट दिस दिस बेसिकली कि यहां पे आप मान लीजिए कि यह है कोर और यहां है मेंटल ठीक है और इसके ऊपर यह रही क्रस्ट तो मेंटल और कोर की बाउंड्री से क्या होता है कि यहां से वेरी हाई ब्लास्ट नेचर का यानी जो बसॉल्ट है यहां से ये मैग्मा राइज करना स्टार्ट करता है और मैग्मा राइज करके क्या करता है ये ऊपर यहां पे एकट होना स्टार्ट होता है सॉलिडिफाई होता है इसकी वजह से ये आइलैंड्स बने तो ऐसे एरियाज जहां पे लोकलाइज्ड वॉलकैनिक एक्टिविटीज होती हैं जिनका सोर्स फिक्स होता है ठीक है वहां से जब मेंटल प्लूम्स चलती है यानी कि वहां पे बसॉल्ट जब राइज करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ हॉट स्पॉट वोल्केनो अभी भी एक्टिव है ये हॉट स्पॉट वोल्केनोस और ये जो हवाईयन आइलैंड्स हैं इन हवाईयन आइलैंड्स में आप देखोगे कि लगातार यहाँ पे सारे क्या बने हैं दे ऑल आर दी आइलैंड्स वोल्केनिक आइलैंड्स वोल्केनिक एक्टिविटी अभी भी चलती है ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को कंसीडर किया जाता है नॉर्थ अमेरिका प्लेट का पार्ट इसके पार्ट में ही है और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट आइलैंड है यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लो है क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे तो इसमें कोल्ड कंडीशन है कोल्ड कंडीशन और यहां पे ज्यादातर क्या मिलेंगे ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं नंबर ऑफ ग्लेशियर्स ज्यादा है पॉपुलेशन बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलता है बट फ्रीक्वेंटली यहाँ पे भी कुछ वॉलकैनिक एक्टिविटीज वॉलकैनिक एक्टिविटीज यहां पे होती रहती हैं इसमें वॉलकैनिक एक्टिविटीज मिलती हैं राइट सो नेक्स्ट आर दी क्यूबा आइलैंड सो क्यूबा आइलैंड आर इन ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ये क्यूबा आइलैंड देखने को मिलते हैं जिसमें यहाँ पे ये क्यूबा है ठीक है ये पूरा कैरेबियन है कैरेबियन सी के आसपास का एरिया और ऊपर जो है वो अटलांटिक ओशन है तो बीच में बढ़ता है तो यहाँ शुगर केन कल्टिवेशन काफी ज्यादा होती है शुगर केन कल्टिवेशन ठीक है शुगर मतलब चीनी केन मतलब डंडा तो डंडे में अगर चीनी हुई तो दैट इज शुगर केन ठीक है तो काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिलती है उसके बाद ये है आगे बरमूडा आइलैंड्स तो बरमूडा भी आपको यहीं आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जरूर सुना होगा काफी ज्यादा मिस्ट्रीज उसके बारे में बताई जाती थी तो यहाँ है दिस इज बरमूडा आइलैंड्स राइट सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ में ये सब मिलते हैं सो so नेक्स्ट है मेजर क्लाइमेट्स रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अब देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट ठीक है so, सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या है कि ये जो क्लाइमेट है वो आपको मिल जाएगा 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से लेकर के ठीक है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ तक के बीच में इसमें क्या क्या है एक तो रेन फॉरेस्ट है यानी जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं रेन फॉरेस्ट ग्रास हैं और ग्रासलैंड मतलब यहां रेनफॉल कम है ठीक है किससे रेन फॉरेस्ट से सेमी एरिड उससे भी कम रेनफॉल डेजर्ट मतलब उससे भी कम रेनफॉल तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा एरिया है रेन फॉरेस्ट तो यहां आप देख रहे होंगे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं सो इस एरिया में सिंपली आपको मिल जाएगा रेन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट का एरिया रेन फॉरेस्ट के बाद अगला जो एरिया है वो सिंपल आता है ग्रास का तो ग्रास मतलब कि ग्रास तो ऐसे एरियाज हो जाते हैं ठीक है थीके? जैसे आपने स्टेपीज का नाम सुना होगा स्टेपीज ठीक है या स्पेसिफिकली अगर ये जो ग्रास हैं, है यहां पर आपको मिलेंगे नीचे ये वाले पार्ट में और स्टेपीज जो है वो बेसिकली टेम्परेट है ठीक है टेम्परेट ग्रास लैंड नॉट देल ग्रास लैंड बट द्रास लैंड राइट सेमी एरिड रीजन के अंदर जहां बारिश काफी कम होती है उसको हैं। ये डेजर्ट नहीं होता लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे सूखी कंडीशन ज्यादा होती है ड्राइनेस ज्यादा होता है इस वजह से इसको सेमी एरिड रीजन कहते हैं डेजर्ट्स में अगर देखा जाए तो डेजर्ट्स में तो सिंपल है कि यहाँ पे ऑप शोर ट्रेडविंड ऑप शोर ट्रेड विंडस क्योंकि जब यहां से विंड्स चलती हैं मॉइस्चर लेके आती हैं इस वाले पार्ट से तो इधर जाके क्या करेंगी इस एरिया में क्योंकि लैंड तो अंदर तक चलेगी अंदर जा रही है जब विंड्स अंदर जाना स्टार्ट कर देंगी तो वैसे अंदर जाते आते क्या होगा कि विंड्स सूखना स्टार्ट कर जाएंगी ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ड्राइनेस आना स्टार्ट होगा उस ड्राइनेस की वजह से इस एरिया में बन जाएंगे डेजर्ट्स तो कौन से इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं यहां पे मैक्सिकन डेजर्ट मेक्सिकन डेजर्ट सोनोरन डेजर्ट ठीक है इसके साथ में मुहावी डेजर्ट लिखते ऐसे हैं बुलाते ऐसे हैं दिस इज एम ओ जे ए वी ई तो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज मुहा डेजर्ट ठीक है और इसके आ, साथ में यहां पे है कैलिफोर्नियन डेजर्ट कैलिफोर्नियन डेजर्ट तो ये सारा किसका एरिया है डेजर्ट का एरिया अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में अगर देखा जाए तो इसमें क्या आता है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन जहां पे हैं और बीच में कुछ क्या है सब ट्रॉपिकल यानी कि वार्म डेजर्ट्स भी हैं तो यही वाले डेजर्ट जिनका मैंने अभी आपको नाम लिखवाया तो ये इसमें काउंट हो जाते हैं राइट आगे है टेम्परेट क्लाइमेट तो टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर अगर देखा जाए तो काफी बड़ा एरिया जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर भी यहाँ पे आता है जहां कोल्ड कंडीशन भी होती है ठीक है ये दिस इज बेसिकली देश क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट आपको यहां भी मिलेगा ये जो पूरा एरिया है टेम्परेट क्लाइमेट वाला इसमें वेस्टर्लीज का काफी बड़ा रोल रहता है वेस्टर्लीज एक परमानेंट विंड्स हैं ये विंड्स क्या करती हैं कि जब ये ऑनशोर होती हैं तब भी बारिश करती हैं और जब ये ऑफशोर होती हैं तब भी ये रेनफॉल क्रिएट करती हैं तो इस केस में यहाँ पे ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज ठीक है तो यहाँ पे ऐसे वेस्टर्लीज आती हैं सामने कोई पहाड़ है ये लाइक रॉकीज़ है यहाँ पे तो रॉकीज के होने की वजह से ये विंड्स क्या करती हैं यहाँ से राइज करना स्टार्ट करती हैं जैसे राइज करती हैं टेम्परेचर कम होता है टेम्परेचर कम होने की वजह से ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होता है सो कंडेंसेशन की वजह से इस एरिया में रेनफॉल स्टार्ट होता है और जो पीछे जब ये विंड्स जाती हैं तो दीज विंड्स बिकम ड्राई और जब ये ड्राई बन जाती हैं तो देर विल बी लेस रेनफॉल लेस रेनफॉल तो पीछे इनको कहा जाता है शिनोक विंड्स और यहां पे जो है इस एरिया में दिस रेनफॉल इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल ये कहा जाता है ठीक है तो काफी जबरदस्त रेनफॉल यहां पे होगा इस एरिया में अंदर को रेनफॉल डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा और जैसे से अंदर जाएंगे तो अंदर आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे क्योंकि इस एरिया में मॉइस्चर कम हो गया है तो इन ग्रासलैंड्स को सिंपल कहा जाता है दे आर स्टेपीज ठीक है इनको स्टेपीज के नाम से जानते हैं स्टेप्स और स्टेपीज इनको कहा जाता है इसके ऊपर का एरिया क्योंकि जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं अब यहां पे क्या हो रहा है ये सारा एरिया यहां ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो ठंड बढ़ने की वजह से ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज दी सब आर्कटिक ठीक है सब आर्कटिक एरिया और सब आकटे एरिया में अगर देखें तो काफी बड़ा एरिया आता है इसके अंदर भी ठीक है काफी ज्यादा एरिया और उसके ऊपर जो है वो पोलर टुंडरा है पोलर टुंडरा टुंडरा का मतलब होता है बैरन लैंड क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि इसके एक्सट्रीम होने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन सरवाइव नहीं कर पड़ती यहाँ पे आपको बड़े स्केल के ऊपर यहाँ आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे फॉरेस्ट सिर्फ यहाँ नीचे मिलते हैं इस बेल्ट में और इस बेल्ट को कहा जाता है बोरियल फॉरेस्ट बॉरियल फॉरेस्ट ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनके बीच में क्या होती है डॉटेड विद लेक्स यानी बीच बीच में आपको क्या मिल जाएगा लेक्स भी देखने को मिलेंगी ठीक है और इसी वजह से इनको बोरियल फॉरेस्ट कॉनिफरस फॉरेस्ट को कहा जाता है राइट सो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन अब हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जहाँ जिस तरह के पेड़ मिलते हैं जहाँ जैसी वेजिटेशन मिलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले है हमारा दैट इज द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सो क्लाइमेट में द फर्स्ट टाइप इज द टुंडरा टाइप टुंडरा टाइप इज बेसिकली टुंडरा इज कॉल्डेज दैरन लैंड दिस इज कॉल्ड डेज बैरन लैंड ठीक है जहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती इधर बहुत ज्यादा कोल्ड विंडस चलती हैं कोल्ड विंडस और कोल्ड विंड्स के साथ में ये ऐसा एरिया होता है जहां पर सेवन टू एट मंथ्स काफी ज्यादा हैवी विंटर्स रहती है winters, में बहुत शॉर्ट समर सीजन होगा शॉर्ट समर सीजन देखने को मिलता है और रेनफॉल इज स्केंटी स्केंटी मतलब कि रेनफॉल बहुत कम होता है कभी कभी रेनफॉल देखने को मिलता है यहां पे ठीक है और हमेशा ज्यादातर ये एरिया स्नो से कवर रहता है तो स्नोफॉल यहां हमेशा देखने को मिलेगा ये ऐसे एरियाज भी होते हैं जिन एरिया के अंदर ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो हाइबरनेशन करते हैं सो व्हाट इज दिस हाइबरनेशन कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये है कि जब विंटर्स आती हैं तब ये सो जाते हैं और जब फिर से जब समर्स आनी स्टार्ट होंगी तो ये खूब सारा खाना खाते हैं तो एकदम मोटे हो जाते हैं फिर जाके दोबारा जब हाइबरनेशन में जाएंगे तो बॉडी क्या करती है वो अंदर से उनको वो एनर्जी मिलती रहती है जो उन्होंने फैट की फॉर्म में स्टोर किया था ठीक है तो इसमें कुछ जानवर अगर देखें तो आर्कटिक फॉक्स मिलती है तो मस्क ऑक्स यहाँ पे है ठीक है रेनडियर्स आर वेरी फेमस इन दिस एरिया काफी फेमस होते हैं रेनडियर्स आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन राइट right? सो so, कौन सा एरिया है ये ये है कैनेडा का एरिया और आईलैंड का एरिया तो कैनेडा यानी कि जो पोल्स के पास हम जब जाने की कोशिश करते हैं तो उस एरिया में इस तरह की चीजें मिलती हैं वेजिटेशन में वेजिटेशन में ज्यादातर लाइक होती हैं छोटी छोटी मोशज होती हैं और छोटे छोटे बेसिकली फूल यहाँ पे लगते हैं लेकिन ज्यादा बड़े आपको यहाँ पे प्लांट्स जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे तो आर्कटिक फॉक्स ब्लू फॉक्स रेंडियर मस्क ऑक्स पोलर पोलरबियर्स बुल्वरी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे टुंडरा टाइप ऑफ वेजिटेशन के जो नॉर्थ अमेरिका में मिलती है राइट right? काफी यूनिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी इसको माना जाता है एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से सो नेक्स्ट आता है टाइगा एंड दी कोल्ड टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट देखो कॉनिकल शेप होती है जो तो ऐसे होती है ऐसे कोनिकल शेप तो ऐसे जो पेड़ होते हैं इनको कहा जाता है कोनीफेरस कोनी सब बहुत सारे पेड़ हैं, तो क्या बोल दिया हमने इसको कोनीफेस फॉरेस्ट कह दिया इसको सिंपली ठीक है तो इसमें क्या होगा यहां पे विंटर्स भी ठंडी होती हैं, शॉर्ट आपको देखने को मिलेगी लेकिन समर्स क्या है समर्स भी यहां पे होती हैं लेकिन शॉर्ट होती हैं ज्यादातर और इसमें हैवी स्नोफॉल होता है विंटर्स के अंदर और ज्यादातर ये जो टाइगा है टाइगा का मतलब होता है दिस इज दी फर्स्ट ट्री लाइन यानी कि जहां से जैसे ये अर्थ है तो इधर पोल्स है नॉर्थ पोल या इक्वेटर है दिस इज दी साउथ पोल सबसे पहले जहां से ट्री स्टार्ट होंगे उस लाइन को कह देंगे दिस इज दी टाइगा ठीक है तो टाइगा आ गया यहां पे टाइगा कोल्ड टेम्परेट कोनीफरस फॉरेस्ट तो रीजन कौन सा है ये टुंडरा के बिल्कुल साउथ में पड़ता है ऊपर वाला एरिया टुंडरा है नीचे वाला कौन सा आ गया टाइगा साउथ से सेंट्रल अलास्का और नॉर्थ ईस्टर्न कैनेडा में ये मिलता है इसमें ज्यादातर अगर ट्रीज देखें तो पाइन ट्रीज हैं, फर ट्रीज हैं, सदार है सप्रूस है ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखने को मिलती है इनकी भी और फोना में देखा जाए तो फॉक्स है सेबल है ठीक है संकन है तो ऐसे में मोश है एल्क है तो ऐसे में यहां पे एल क्या देखो डियर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो ये जो फॉक्स है तो ये भी इस एरिया में जनरली हमें देखने को मिलते हैं राइट सो नेक्स्ट क्लाइमेट नेक्स्ट क्लाइमेट इज द डेजर्ट तो डेजर्ट्स वो होते हैं जहां पे क्या होता है लो रेनफॉल ठीक है तो विंटर्स क्या है थोड़ी कूल होती है समर्स हॉट होती हैं और रेनफॉल काफी ज्यादा लेस है साउथ वेस्ट एशिया सॉरी साउथ वेस्ट यूएसए एंड नॉर्दर्न मैक्सिकन डेजर्ट्स ये ज्यादातर देखने को मिलता है तो इसमें क्या है स्कैंटी रेनफॉल है क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंडस ऑप होती है इस वजह से यहाँ काफी ज्यादा स्कैंटी रेनफॉल होता है स्कैंटी रेनफॉल देखने को मिलता है और वेजिटेशन जो है ये अगर आप देखोगे तो यहाँ कैक्टस ज्यादा होता है क्योंकि कैक्टस एक तरह की ऐसी वेजिटेशन है जिसकी रूट्स काफी ज्यादा होती हैं और वो नीचे अंदर तक जा सकते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऊपर डेजर्ट है लेकिन अंदर रिजर्वायर हो सकती है अंदर कोई एक्यूफर हो सकता है वाटर का तो उधर से वो वाटर जो है वो अपनी जरूरतों के लिए ले लेते हैं इसमें डेजर्ट फॉक्स ठीक है स्कॉर्पियंस स्कॉर्पियट्स या फिर रेटल स्नेक काफी ज्यादा फेमस है तो यहाँ पे एक डेयर भी है जो आप सिंपली देख रहे होंगे किधर बना हुआ है सो नेक्स्ट इज दी कूल टेम्परेट डेसिडोस फॉरेस्ट तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहता है फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट ऑफ दी साउथ ईस्ट यूएसए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर ओक ट्रीज पॉपुलर ट्रीज ठीक है सिप्रस मिलते हैं ऑक स्क्वायरल ड्रील ठीक है ये भी क्या है एक तरह से यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलते हैं सो नेक्स्ट इज देरी प्रेरी लैंड ठीक है तो प्रेरी ग्रास अगर देखा जाए तो प्रेरीज़ यूएसए uh, के अंदर मिलेंगे और यूएसए के अंदर जो है वो फ्रिजिड विंटर एंड हॉट समर्स विद मॉडरेट रेनफॉल क्योंकि रॉकीज है रॉकीज ने मॉइस्चर सारा रोक लिया है और रॉकीज जब वो मॉइस्चर रोक लेती है उस मॉइस्चर के रुकने की वजह से क्या होता है कि पीछे का जितना एरिया है ठीक है लाइक इफ आई ड्रॉ द मैप हेयर फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऐसे यूएसए को ड्रॉ किया जाए तो यहां पे ये रॉकीज हैं। अब जब ऐसे विंड्स आती हैं तो रॉकीज के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, यहां तो काफी अच्छा रेनफॉल है और ये ऐसा रेनफॉल है जहां पे आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे रेन फॉरेस्ट राइट सो इसके साथ ये आगे वाला जो एरिया है ये वाला एरिया इस एरिया में क्या होंगे ग्रासलैंड्स। रेनफॉल क्या है यहां पे कम है तो इनको कहा जाता है प्रेरीज ठीक है स्टेपीज जो है, वो एशिया के अंदर है। लेकिन यहां पे इनको क्या कहा जाता है सिंपली प्रेरीज और फ्रिजिड विंटर्स यहां पे होती हैं इस एरिया के अंदर सेंट्रल यूएसए और सेंट्रल कैनेडा के आसपास का एरिया ये माना जाता है, इनको ग्रेट भी बोलते हैं। ग्रेट ठीक है? और वेजिटेशन में ग्रास है, श्रब्स है काफी सारी इंपॉर्टेंट यहां होती है दे आर कॉल्ड एज प्रेरीज, ओके सो उसके साथ में गॉफर्स रेबिट्स ठीक है डॉग्स बाइसन दे आर वेरी कॉमन इन दिस रीजन तो काफी कॉमनली ये देखने को मिलते हैं राइट ओके सो नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो जो मेडिट्रेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये होता है हमारा 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 42 डिग्री नॉर्थ के बीच या फिर 37 डिग्री साउथ से लेके 42 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच क्योंकि इसको कहा जाता है ट्रांजिशन जोन ट्रांजिशन जोन बिटवीन वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स ठीक है तो वेस्ट इंडीज जब ऑन शोर होंगी ऑन शोर वेस्ट इंडीज दे विल कॉज रेनफॉल ठीक है तो तब क्या होगा रेनफॉल अगर ऑपशोर है तो देर विल भी बेसिकली उसमें उतना रेनफॉल नहीं होता तो ऑन शोर होगी तब ही होगा तो ये जो मेडिट्रेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसमें क्या होता है समर्स काफी हॉट होती है और समर्स के टाइम पे ऑप शोर ट्रेडविंड यहाँ होंगे ऑप्शु ट्रेड विंड है तो लैंड से तो मॉइस्चर आएगा नहीं तो मॉइस्चर नहीं आएगा उस वजह से बारिश नहीं होगी लेकिन रेनफॉल कब होता है विंटर्स में जब उसी जगह पे क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स मूव करती हैं वो माइग्रेट करती है माइग्रेट क्यों करती है वो सन की वजह से करते हैं क्योंकि सन की जो हीट है वो हीट में चेंज आता है उस हीटिंग की वजह से ही क्या होता है उस हीटिंग की वजह से जितने चेंजेस आते हैं उसी से पूरी प्रेशर बेल्ट्स क्या करती हैं ये माइग्रेट करती है उसके माइग्रेशन की वजह से ये देखने को मिलता है कि हमारी जो ये प्रेशर बेल्ट माइग्रेट करेंगे इनके माइग्रेशन से ही यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंज आता है रेनफॉल के पैटर्न में चेंज आता है तो इधर ये जो विंटर है तो विंटर के टाइम पे आपको ये देखने को मिलेगा विंटर्स में कि यहाँ पे होंगी ऑनशोर शोर वेस्टलीस और ऑनशोर शोर वेस्टलीस की वजह से इन एरियाज में क्या स्टार्ट हो जाएगा बारिश ठीक है वेस्टर्न कोस्ट में होता है ये हमेशा और सदरन कैलिफोर्निया में होता है इसमें ऑलिव ग्रेप्स ऑरेंज ऐसा माना जाता है कि जो मेडिटेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसमें आर ड्राई बट इज सम रेनफॉल इन द विंटर्स ठीक है और बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता कम रेनफॉल होता है इसको काफी अच्छा माना जाता है ऑलि के लिए, लिए ठीक है वॉलट्स एप्रिकोट तो काफी फेमस इस एरिया में है और एक तरह से जो है वो ये फ्रूट्स की डिमांड भी काफी ज्यादा इस एरिया में होती है और यहाँ बेसिकली ज्यादातर जो है वो वाइल्ड लाइफ उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है क्योंकि बेसिकली ये भी क्या है एक सेमी एरिड रीजन है तो इसको सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हम लोग यहां पे कह सकते हैं राइट right? ठीक है ओके सो नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिल्कुल सिंपल है इक्वेटर के आसपास बहुत ज्यादा वार्म कंडीशन होती है तो कंटिन्यूसली एयर राइज करती है एयर जब राइज करती है तो ऑलवेज राइजिंग एयर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्लाउड फॉर्मेशन फ दर इज क्लाउड फॉर्मेशन तो क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से क्यूम्लोनिम्बस क्लाउड बनेंगे हर दिन दो बजे के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल ठीक है तो ये कहां पे होता है सदर्न मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका वेस्ट इंडीज और गल्फ ऑफ मैक्सिको की कोस्ट के अराउंड जिसमें कि लॉकबुड मोहोगनी रबड़ ठीक है ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर हमें देखने को मिलते हैं ट्रीज भी और मॉन्की और स्नेक्स ज्यादा यहां पर होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन मतलब पहाड़ों पे तो ऑल्टीट्यूड के साथ आप जब जाओगे जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि लैप्स रेट होता है विद इंक्रीजिंग हाई टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग तो इस केस में ये जो क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर फॉल करता है और जैसे कि ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो इसमें आप देखोगे कि रॉकी माउंटेन्स माउंटेन्स का पूरा एरिया है एंड रॉकीज आर यंग माउंटेन्स दे आर दी फोल्ड माउंटेन्स तो इसमें कौन सा पाइन फर लेकिन सी ये सब यहाँ पे मिलेगा और इसमें डियर और जो बियर है ये काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलते हैं राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ अमेरिकाज नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेट और रिवर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया ठीक है पिछली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप यहां से देख रहे हैं क्योंकि उस वीडियो के अंदर कंप्लीट फिजियोग्राफी नॉर्थ अमेरिका के डिस्कस की है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू